जब सिकंदर रजा बॉलिंग करते थे लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज वर ड्रॉन बिटवीन हिम एंड आई डोंट इफ यू रिमेंबर क्योंकि शुब मालिकलोटो से थे ऑफ स्पिन थे लेकिन उस वक्त भी एक जो सिकंदर रजा की एक चीज एक जो डिफरेंट नजर आती थी वो बॉल करते करते थे एकदम से लो आर्म एक्शन के साथ एक बॉल करते थे विच वॉल यूज टू बी स्टैंड आउट फीचर लेकिन अब पिछले डेढ़ साल से द रन अप हैज चेंज द स्टाइल हैज चेंज देंज एंड आई मीन इट इज commendable जिस तरीके से इवन इवन एज अप्रोच टू बैटिंग इसमें चार लोग मेरे ज़हन में आते हैं इट्स वेरी इंप्रेसिव टू मी इज रविचंद्र अश्विन ने एक पूरा सीजन जो डोमेस्टिक क्रिकेट का है वो राइट हैंडर्स को लेग स्पिन करवाई थी और लेफ्ट हैंडर्स को ऑफ स्पिन लियाम लिविंगस्टन कंप्लीटली वही करते हैं वो भी और इज नॉट लाइक लिविंगस्टन हैज ऑलवेज बीन डूइंग दिस डेवेलोप्स दिस ओवर द लास्ट 3 4 इयर्स ठीक है

तो इसी सवाल के साथ स्टार्ट करता हूँ जब कुदरत को मंजूर होगा <laughs> <laughs> नहीं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें uh, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो जो फैक्टर आता है ना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हम बता सकते हैं पी एस एल फाइव में इस्लामाबाद यूनाइटेड फिनिश्ड बॉटम ऑफ द टेबल

अगर अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशनली uh, कोई इशू आ रहा है तो वो मेरी गलती है अच्छा रुझान अब यहीं पर ना लोग हमें तनकीद करते हैं कि शायद हम डिफ़्लेक्ट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्राम द प्लेयर्स टू द मैनेजर नहीं ये डिफ्लेक्शन की बात नहीं प्लेयर ने परफॉर्म किया परफॉर्म तो मैंने और आपने जाकर नहीं करना ना मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ एज अ प्लेयर भी एज अ प्लेयर भी आपको यू शुड इंट्रोस्पेक्ट यू शुड सी कि ये चीज़ें मैं बेहतर कर सकता हूँ एज अ कैप्टन यू शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही आप बेहतर प्लेयर बनते हैं बेहतर आप मैनेजमेंट में बनते हैं बेहतर कोच बनते हैं जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे डिफ्लेक्ट करते रहेंगे तब तक एंड दैट हैज़ टू बी एट एन इंडिविजुअल लेवल आई कैन नॉट से टू इफ़ यू आर आई आर वर्किंग टूगेदर आई कैनॉट से टू यू के आर तुम टाइम पर क्यों नहीं आए जो आप अक्सर नहीं आते ठीक मैं ही नहीं आता अच्छा <laughs> लेकिन मैं सिर्फ आगे ट्वीट yeah, लेने लेकिन yeah. मैं कुदरत आपके जवाब को सिर्फ इतना मुख्तर एंड एटलीस्ट अपना जवाब ये दूंगा That, mathematically, Pakistan can qualify for the semi-final. Um, I would still say that let's wait for the end of the competition before we say anything about the captaincy of the Pakistan team uh, in this format or the others. Let's wait till that time. Ek tweet lete? Take yeah. a, let's take the next tweet. Uh, we Rizwan ko teen par? I've seen Rizwan struggle when the ball is seeming away.

इस पे मेरा रिप्लाई ये है कि काफी देर से हमने इस शो के ऊपर करोड़ दफा ये बात की कि वट हाउ विल यू नॉटर एक और बात करूंगा देखिये बाबर की भी इस वक्त फॉर्म सही नहीं लगी भी um, एक क्वेश्चन

और गो विद इफ्ती चाचू एट फोर यहाँ पे मैं सोब एक और जो मैं एक बात करूँगा वो ये करूँगा कि अगर फ़खर को फिट करार दे दिया गया है तो पहला तो सवाल ये है कि फ़खर अभी तक कहीं पर फीचर क्यों नहीं किया ना उन्होंने वार्म गेम्स में बैटिंग मिली ना उन्होंने मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ भी नहीं थे स्क्वाड में आज भी अगर आप ऑलरेडी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं लेट्स बी ऑनेस्ट हैदर पे प्रेशर था Uh, पहले का प्रेशर था कि वो उन्हें रिमूव किया जाए अगर आप ला रहे हैं आ, फखर को पॉसिबिलिटीज इन के खिलाफ ला सकते हैं मेरा एक सवाल ये है या मैं जो हिंट करा रहा हूँ प्रॉब्ली वो ये कह रहा हूँ आई थिंक ही इज़ नॉट फुल फिट एंड आई थिंक दैट इज अनफेयर दैट ही इज देयर इन दिफ्टी इफ इज नॉट फुली इसमें मेरा आपसे एक सवाल है आप करंट अफेयर्स के एंकर बनना चाहते थे <laughs> मैं कर भी वो काम बट या गो ऑन तो बिल्कुल वैसी ही आपने बात की कि मुझे तो ये लगता है <laughs> <laughs> ठीक है नहीं मैं आई आई कैन नॉट आई कैन नॉट कमेंट ऑन अजम्पशंस एंड आल्सो आपकी <laughs> जो भी आदत है मिर्ची डालने की सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बट जो उनका सवाल है कि फलाने वो ए, अभी इसी, इसी ट्वीट सेशन में बात चल गया है कि एक ने रिजवान को तीन पे खिलाया एक ने बाबर को तीन पे खिलाया ठीक है आइधर वे हम ये डिस्कशन साल डेढ़ साल से कर रहे हैं मेड मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ओपनर्स को तेज़ खेलना चाहिए स्लो खेलना चाहिए ये कॉन्वर्जेस इस वक्त क्यों हो रही हैं ये वर्ल्ड कप शुरू हो गया हुआ है ठीक है ये कोई छः महीने पहले नहीं है वर्ल्ड कप से और इसमें जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सवाल पूछ रहे हैं वो वो बेचारे भी ये सवाल पिछले साल साल से पूछ रहे हैं तो मेरा ये सवाल है आपने कितनी दफ़ा कितनी दफ़ा पिछले एक साल में रिजवान या बाबर तीन पे खेले

वर्ल्ड कप ना जीते वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस होना एवरी वन विल बी ओके विद इट पाकिस्तान डिड नॉट विन द ट्वेंटी ट्वेंटी वन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप एवरी वन लव द टीम द रिस्पॉन्स इवन ऑफ दस्ट्रेलिया डिफीट वॉज ओवरवेलमिंग एंड एवरी वन शोड लव एंड सपोर्ट टू द टीम एवरी वन वांट्स पाकिस्तान टू डू वेल इन मेजर टूर्नामेंट्स ठीक है मेरी नज़र में भी मेजर टूर्नामेंट आप क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स प्ले ऑफ में हार जाओ नो वरीज यू हैव डन योर बेस्ट बट वो उससे पहले डू योर बेस्ट एक्सपेरिमेंट बी रेडी फॉर द वर्ल्ड कप थैंक यू रियान थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस और यही बात मैं भी रिपीट करूंगा कि आप बायोलेट्रल्स जितनी मर्जी जीतते रहें अगर वो बायोलेट्रल्स जो भी आप बायोलेट्रल्स खेलते हैं दे प्राइमरली फॉर प्रेपरेशन फॉर सच टूर्नामेंट्स एंड इफ यू डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंटेशन देन देन ऑब्वियसली देन यू कान बी एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग वो अब इनशाला दुआ यही है लेकिन अगली दफा तक के लिए रिहान और हैदर को इजाजत दें अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज